ये तो नीरा है। कितना फायदेमंद है नीरा? नीरा तो जैसा बताया गया है कि हम लोग तो उतना अथी नहीं है, लेकिन बताया गया है कि बहुत स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है नीरा। जैसे हर तरह के इसमें विटामिन बहुत तरह का मिल जाता है, और गर्मी के लिए तो खास करके बहुत ज़्यादा बताया गया। आप कंज्यूम कर रहे हैं, आपको कुछ फ़ायदा दिख रहा है? हाँ, हमको फ़ायदा दिखता है, हमको फ़ायदा दिखता है, पेट भी इससे बहुत अच्छा साफ रहता है। और हम लगभग सप्ताह में लगभग 3-4 दिन जरूर यहाँ पीते हैं। मॉर्निंग वॉक पे सर आप लोग निकले हैं, गर्मी काफ़ी ज़्यादा इस बार सुबह में ही हो जा रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी, मतलब 6 बजे ही मतलब चलने लायक नहीं रहता है। इसमें एलोवेरा है, तुलसी पत्ता है। गर्मी से मिक्स जूस है, या तो नहीं होता था पहले। ये जो प्रकृति का जो जैसे पेड़ हुआ कट रहा है, ये सबका असर पड़ रहा है। इस बार गर्मी काफ़ी ज़्यादा, हाँ इस बार तो गर्मी क्यों काफ़ी है, गर्मी तो बहुत ज़्यादा काफ़ी है। क्या दिक्कत आ रही है इतनी सुबह? गर्मी के चलते इतना आदमी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है कि जिसका कोई हिस्सा नहीं है। हम वॉक पे आप लोग निकलते हैं? हाँ, मॉर्निंग पर। इतनी गर्मी होती नहीं, वॉक पर तो आते ही हैं हम लोग, लेकिन इतना गर्मी है कि स्वास्थ्य काफ़ी लोगों खराब। हम मानसून को लेकर भी क्या? मानसून अभी तो बारिश के चलते बहुत दिक्कत है, मानसून तो आई नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हाँ, जूस पीते हैं इसीलिए, गर्मी को दूर करने के लिए पीते हैं। हेल्प होता है इससे? हाँ, हेल्प मिलता है। दुकानदार जितेंद्र कुमार बताते हैं कि दिन भर में नीरा पीने वालों की संख्या 400 से 500 के करीब है। नीरा का अभी बिजनेस यहाँ 40 से 50 के बीच में लीटर है, और समझिए कि करीब करीब 400 से 500 कस्टमर डेली नीरा का यहाँ सेल है। गर्मी में कितना फायदेमंद होता है? गर्मी में ये बहुत ही फायदेमंद है, ये कि ये कुदरती और नेचुरल जूस है। इसमें कोई ये अगर इसमें हम लोग यही किए हैं कि इसको सफाई का विशेष ध्यान हम लोग रखते हैं। सफाई का विशेष ध्यान रखने से एक सुंदर कुदरती जूस बन गया है, और ये डाइवर्ट ना हो जाए इसलिए टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं इसको।